जनजन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और आप जैसा देख सकते हैं बारिश हो रहा है, लेकिन जीएन भारत की टीम हमेशा आपको ईडी अपडेट देने के लिए हर मौसम में हर समय मौजूद रहती है। आप देख सकते हैं ईडी कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं और पंकज मिश्रा अंदर है। और सबसे बड़ी खबर अब आज की जो अपडेट ये निकल के सामने आ रही है, आपको बताते चले कि 6 दिन के रिमांड पर है पंकज मिश्रा ईडी के अंदर। लेकिन जी हाँ, अभिषेक झा जो पूजा निलंबित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के जो पति है अभिषेक झा और पंकज मिश्रा दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जा रही है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि इन दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश करी है कि जितना भी घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, टेंडर मनी लॉन्ड्रिंग। आपको बताते चले कि पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले को लेकर जेल में है और वो उनके व्हाट्सअप चैट से और जितने डीएमओ से पूछताछ हुई थी वहाँ से लिंक निकलकर सीधा साहिबगंज तक पहुँच गया और पंकज मिश्रा का नाम सामने आया, फिर पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं मनरेगा से जो लिंक निकल के या फिर पल्स हॉस्पिटल के कागजात जब जब्त हुए तो वहाँ से लिंक निकल के जो साहिबगंज गए, तो ये जो लिंक है मनरेगा से साहिबगंज खनन घोटाला और टेंडर घोटाला, ये दोनों का लिंक है। ईडी कहीं ना कहीं वो दोनों लिंक को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जो दो डॉट है, एक साहिबगंज में और एक मनरेगा यहाँ पर, ये दोनों डॉट को आपस में कनेक्ट कर रही है, जोड़ने की कोशिश कर रही है। वो देखना चाह रही है कि कैसे ये सारा का सारा सिंडिकेट काम करता है, क्योंकि ईडी को जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पंकज मिश्रा ने इतने बड़े टेंडर में जो घोटाले हुए वो अकेले नहीं किए हैं। ईडी को लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े नौकरशाह और राजनेताओं के बीच बंडर बांट हुआ है। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा टेंडर, ये सब अकेले वो नहीं ले सकता है आम इंसान होकर, इसलिए इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है। को बताते चले कि संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम आ रहा है इसमें। इसे कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ते नजर आ रही है, क्योंकि पंकज मिश्रा खुद सीएम के हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि है, तो इसे बार बार सीएम हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है, जिस वजह से प्रवक्ता झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य नाराजगी भी जताई थी। कह रहे थे कि आप बार बार सीएम हेमंत सोरेन का नाम क्यों ले रहे हैं, बल्कि पंकज मिश्रा ने जो काम किए वो उनका काम है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सीएम हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जब आलमगीर आलम जो कि सरकार में मंत्री है, ऊंचे पद पर बैठे, अब उनके खिलाफ, आपको बताते चले उनके खिलाफ FIR भी कर दिया ईडी ने। जी आलमगीर आलम के खिलाफ FIR भी हुआ है। टेंडर में जो घोटाला निकल के सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं ये लिंक सुनने में आ रहा है कि आलमगीर आलम भी इसमें मिले हुए हैं। अभी तो फिलहाल FIR हुआ है, क्या उनको समन किया जाएगा, क्या तलब किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के यही आ रहा है कि ईडी जो है साहिबगंज में एक टुकड़ी ईडी की गई है, जो और भी सारे डॉक्यूमेंट, जैसा हमने आपको कल बताया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, और इस डॉक्यूमेंट से ये पता चल रहा है कि इनका और भी जमीन है। जी हाँ, पंकज मिश्रा ने जब इनसे कल पूछा गया, ईडी ने पूछताछ की कि इतने पैसे आपने किया क्या, इतने पैसे आपके पास आए, 100 करोड़ आए, 30 करोड़ आए, ये सब गया कहाँ, कहाँ आपने इन्वेस्ट किए, इस पर भी वो चुप रहे, नर्वस दिखे, काफ़ी गुमसुम, काफ़ी छटपटाते हुए दिखे ईडी के सवालों से। और रात भर सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है कि रात भर छटपटाते रहे, नींद नहीं आ रहा है पंकज मिश्रा को। खैर, उन्होंने ही आईएम वेट करके चैलेंज, लगता है चैलेंज देना जो है वो बहुत ही भारी पड़ गया पंकज मिश्रा को, चैलेंज नहीं देना चाहिए था ईडी ने, लगता है इनके चैलेंज को बहुत सीरियसली ले लिया है। लेकिन खबरें निकल के सामने आ रही कि इन्होंने अपने पैसे को, जो काले धन कमाए हैं, इसको अपने ससुर के आवास में जो कटिहार में वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, 20 करोड़ का जमीन लिया है, कहीं पर 17 करोड़ का, इस तरीके से जमीन लेकर मकान लेकर, आपको बता दें कि रांची के मोराबादी में भी इनका एक फ्लैट है, तो इस तरीके से कहीं फ्लैट लेकर, कहीं जमीन लेकर, कुछ इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से उन्होंने अपने पैसे को खपाने की कोशिश की है। लेकिन ईडी की बात की नजर से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और ईडी एक एक जो पहलू है उसकी एकदम विस्तार से जांच कर रही है। कल की क्या कुछ अपडेट होगी इसके लिए आप खास तौर पर जीएन भारत में बने रहे, क्योंकि अंदर की सिर्फ और सिर्फ इनपुट जो है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।